तो ये मेरे पीछे है वॉल्केनो ओसोर्नो और इधर देखिए आप नजारा। वेलकम टू साउथ चिले। ओके तो अभी हम आ गए रोबर्टो के साथ। रोबर्टो इज अ फ्रेंड ऑफ डैनियेला जो हमें मिले थे लिमाचे में। तो ही केम टू पिक मी अप, मतलब संडे और इतनी अर्ली, लाइक आई एम सेइंग दैट यू केम दिस अर्ली टू पिक मी अप, इट्स लाइक सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू फॉर दैट। नो वरीज। तो मैंने कुछ नहीं किया, हॉस्टल में बस अपना सामान रखा, मुंह धोया और अभी हम निकल पड़े हैं। पहले अभी आए हम रोबर्टो के पेरेंट्स के घर पे, यहाँ पे डॉग्स को फीड करना, बिकॉज वो वेकेशन पे गए। बताना मैं आपको कि फेब्रुअरी इज द वेकेशन टाइम, तो इनकी फैमिली वेकेशन पे गई हुई है। तो अभी हम रोबर्टो के डॉग्स को फीड करेंगे, वी विल फीड योर डॉग्स एंड या लेट्स सी हाउ इज लाइफ इन पोर्टो वरास। So this is his workshop. So Roberto is studying. You're studying trading, stock trading. वो सब पढ़ रहे हैं. लेकिन so before that you were doing this or like this is just a hobby? Was kind of like a hobby, but now it's like I try to make some money with it. Okay. ये देखिए ये बनाया Roberto ने. So like he makes all of these like tables, chairs. And something like this. Yeah, this is his workshop. Nice. Kind of messy. But it's nice. So the story is ki Roberto pehle inhone padhai kari and he studied in the same university as Daniela. To wahan se dono dost hain. और फिर अभी ही स्टडिंग स्टॉक ट्रेडिंग और ये सब, और एज अ साइड हसल, साइड इनकम के लिए ही हैज दिस वर्कशॉप, तो जहाँ पे वो थोड़ा सा काम करते हैं और वो बेच बेच के थोड़ा बहुत पैसे कमाते हैं। That's why it should be used. Oh, this is a nice view. Yeah. It was get to this. Oh, wow. Yes. Oh, wait to get there. थैंक यू फॉर दैट। सो ये एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, विसेंटे पेरेस रोसालेस। विसेंटे, हाँ ओके, चलो लेट्स गो। सो यहाँ पे चिले में क्या है कि वी को हमेशा बी बोलते हैं, वामोस को बामोस, वीडियो को वीडियो, विसेंटे को विसेंटे। तो ये है, प्लस अभी जो नेशनल पार्क है इसके अंदर हम जाएंगे अब, तो वी गोना सी द वॉल्केनो ओसोर्नो। तो हम रास्ते में दिखाता हूँ मैं वॉल्केनो, वो फिर दिख रहा है वो देखो, अरे ये रहा, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और ही टोल्ड मी कि वी विल बी ड्राइविंग अप, देयर इज अ रोड, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे वॉल्केनो के। एक्टिव नहीं है वॉल्केनो, यहाँ पे स्कीइंग भी करते हैं लोग, अभी शायद इतनी स्नो नहीं है स्कीइंग के लिए, बट या जस्ट लुक एट दिस व्यू, वाओ।
ये रहा हमारा वॉल्केनो और ये इतना ज्यादा सेफ है कि यहाँ पे एक स्कीइंग रिजॉर्ट बना हुआ है. अभी मतलब स्नो नहीं है तो मतलब है नहीं यहाँ पे कुछ भी, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप ये स्की रिजॉर्ट है पूरा, यहाँ लोग स्कीइंग करते हैं आके. तो ये पता नहीं बहुत सालों से मतलब एक्टिव ही नहीं हुआ. आई इवन आस्क माई फ्रेंड एंड ही इज लाइक नॉट इन माई लाइफ टाइम, मतलब कह रहा है कि मेरी लाइफ में तो एक बार भी नहीं एक्टिव हुआ ये. बट यार कितने सुंदर व्यूज है, मतलब ये देखिए सामने आप. और ये मतलब हमने एक डेढ़ घंटा चलाया सिर्फ वहाँ से, और इतने सुंदर व्यूज़, मतलब हमारे अगर वहाँ जाएं हम इंडिया में जाएं तो बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ता है और फिर जाके हमें ऐसे व्यूज़ मिलते हैं. उधर देखिए वो बादल ही बादल है नीचे, काफ़ी सही है. अभी आए थे हम लंच करने, मैंने पता नहीं क्या मंगा लिया, ये सब जैसे टमाटर है, एवोकाडो है, गाजर है, पत्ते वत्ते, चावल. बट माई फ्रेंड इज हैविंग रियली नाइस लुकिंग फूड, बेटर लुकिंग फूड देन मी. तो वॉल्केनो देखने के बाद हम इस वाली लेक पे आए थे, मतलब वॉल्केनो उधर है, उधर उसके सामने भी एक लेक है, वहाँ पे भी गए थे, वो बड़ी है. यहाँ पे एक और लेक है, थोड़ी छोटी है इससे ये, बट यार बहुत सुंदर है ये. फिर हम वापस आ गए पोर्टोवारास में. सुबह यहाँ पे एक बंदा भी नहीं था, अभी देखो कैसे भीड़ लगी हुई है, आपको दिख नहीं रहा, आपको दिखाता हूँ अभी आगे से ना वहाँ से. वो देखिए सुबह यहाँ पे कोई भी नहीं था. तो अभी मे बी आई एम गोना रेस्ट फॉर सम टाइम एंड ही विल आल्सो रेस्ट. थैंक यू फॉर टुडे, इट वाज अ प्लेजर. या अभी जा रहा हूँ मैं सुपरमार्केट. ये सुपरमार्केट है सामने, मतलब शॉपिंग मॉल है, सुपरमार्केट भी है. और ये आप देख रहे हैं जो बसें हैं ना, ये वाली वो लिखा है उस पर पोर्टोवारास, मेरे को यहाँ से दिख नहीं रही. हाँ ये अब चली है. तो ये वाली बसें मैं कल लूँगा, मुझे जाना है फ्रूची आर करके, तो इन वाली बसों में जाना पड़ेगा कल. अभी पहले कुछ ले लेते हैं खाने पीने के लिए सुपरमार्केट से. ये रहा इनका म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस. तो आज निकला था मैं ऐसे ही वॉक करने के लिए, थोड़ा सा अंदर आया हूँ शहर के, मतलब काफ़ी सही लग रहा है आज. अंदर इतना भीड़ भड़का नहीं है, मतलब कल संडे था तो ज़्यादा था, आज थोड़ा सा चिल है माहौल. तो आज मेरे को शाम तक वेट करनी है और शाम को मैं चला जाऊँगा फ्रूती यार विच इज़ नियर बाई टाउन, बस लेके वो छोटी वाली, और वहाँ पर हम काउच सर्फिंग करेंगे. तो बस थोड़ा सा टाइम पास करना है यहाँ पर. बाकी मैंने बताया ही था आपको कि ये एक जर्मन कॉलोनी है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जर्मन बोलते हैं, जर्मन नेशनल्स भी बहुत टाइम से कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं. तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ना जो इन्फ्लुएंस्ड है, थोड़ा जो घर वगैरह हैं थोड़े वो भी लकड़ी के हैं, थोड़े से यूरोपियन फील आती है, इसीलिए फील आती है बिकॉज इट वॉज़ अ जर्मन कॉलोनी. तो वल्दीविया हो गया, पोर्टोवारास हो गया, फ्रूतियार हो गया, ये सब जर्मन कॉलोनीज हुआ करती थी पहले. तो अब टाइम आ गया है निकलने का यहाँ से. ये सामने खड़ी है बस है, मुझे जाके बस ढूंढनी है फ्रूतियार, जाके पूछते हैं फ्रूतियार कौन सी बस जाती है.
here for top day. Shoot here? Take him an offer. Frutier. Uno. टास्क दिया गया था कि जो डब्बे थे ना उस पे लगे हुए ट्रेलर पे वो था कि यहाँ रखने। तो ये देखिए मतलब इतनी सारी मक्खियाँ हैं ये।